तो यहाँ पे भाष्यकार तो सबके एक ही साथ उत्तर देंगे। टीका में देखिए लिखा था कि प्रधानम मूल प्रकृति महत अहंकार कर्मकारी शब्द प्रकृति है ना, सात उत्तर प्रकृति भी विकृति है। प्रधान हो गया मूल प्रकृति, ये किसी का विकार नहीं है, ये किसी का विकार नहीं है। ये प्रधान की साम्यावस्था है, प्रकृति तीन गुण की साम्यावस्था में प्रलय होती है और तीन गुण की गुणों में जब विघटन चलते रहते तब सृष्टि होते हैं, उनका सिद्धांत। तो इसके ये विघटन करना था संभव करने ये कौन करता है, यदि बोलते अपने आप होता है तो जो और अपने आप होता है तो अपने आप पूरा ही होता रहेगा, तो सृष्टि सृष्टि होता रहेगा। तब जो है योग दर्शन आकर वहाँ पे एक ईश्वर तत्व बने उनकी इच्छा से बने। यहाँ पे बोलते हैं महत अहंकार कर्मात्र सब तो प्रकृति विकृत है, यह सात हो गया प्रकृति भी है विकृति भी है, महत तत्व से अहम तत्व, अहम तत्व से तन्मात्रा है, इसीलिए आकाश तन्मात्रा शब्द तन्मात्रा से स्पर्श तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा से रूप तन्मात्रा, इसलिए एक कारण एक कार्य, एक कार्य प्रकार से बोलता है प्रकृति भी विकृत, प्रकृति मतलब कारण, विकृति मतलब कार्य, प्रकृति मतलब कारण और विकृति मतलब कार्य। पंच अनुष्ठित आप जो है बाकी सोलह तत्व तो क्या है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच विषया और मनश्चैकमिति षोडश विकार, ये केवल विकार मात्र है, ये केवल विकार मात्र है, किसी का प्रकृति नहीं है, ये तन्मात्रों से ही सब बनते हैं मात्र अहंकार से मिलकर। पुरुषस्तु विशिष्ट इति पंचविंशति संख्याक प्रपंच वस्तु इति सांख्या, ठीक है ना। और पुरुष तो केवल दृष्टा मात्र, असंभव ही अयम पुरुष ईशांक पुरुष का मिले और संघात पर अर्थत्वाद, और इससे दिखा जाए पुरुष को दिखाने के लिए कोई भी संघात मतलब त्रिगुणात्मक का प्रकृति एक संघात है, वो अपने लिए हो नहीं सकता, दूसरे के लिए होता है, कोई भी शंका दूसरे के लिए होता है, यहाँ पे दूसरे के लिए कौन हो जाए, वही पुरुष चेतन तत्व के लिए पूरा जो है जड़ात्मक के लिए काम करती है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि पुरुष अस्तु दृश्य संभव, दृश्य मतलब दृष्टा, केवल दृष्टा है वो दृश्य नहीं, पुरुष दृश्य स्वभाव है इसका स्व अपने भाव। इति इस प्रकार से पंचविंशति संख्याक और 25 तत्व वाला संख्या वाला पंचविंशति संख्याक है ना, 25 क्या क्या हो गया, 16 हो गया विकार, 7 हो गया प्रकृति विकृति और 1 हो गया केवल 16 7 23 एक हो गया केवल प्रकृति, और कोई प्रकृति भी नहीं विकृति नहीं भी, पुरुष हो गया 25। तो इसलिए बोलते हैं पंचविंशति संख्याक प्रपंच वस्तु ये समान जगत दिखाई पड़ता है, ये पारमार्थिक है इति सांख्या सांख्यवादी ऐसा तच्च कल्पना मात्र, उनका ये सिद्धांत भी कल्पना मात्र ही है। क्यों पंचविंशति विशेषणस्य अव्यवर्तकत्व वैयथा व्यवर्तकत्व च व्यवर्त्य प्रमित्ति अप्रमित्ति अनुभवन्ते इति आह। आपने बोला पंचविंशति तत्वानि पंचविंशति, यानी कि आपको और भी कोई दिखाई दे रहा है तो इनमें से एक कोई भी का विशेषण लगाते हैं, विशेषण क्या होता है इतर व्यवर्तक होते, विशेषण जब आप कहीं भी लगाएंगे, लाल फूल लाल क्यों लगाया आपने वहाँ पे, लाल और भी काला पीला हरा जो लाल होगा तो आपने विशेषण देता है, विशेषण होता है कि वर्तमान तस्वीर इतर व्यवर्तक, तो वहाँ पे विद्यमान नहीं थे वे उसकी तत्व व्यवर्तन करते। तो आपने बोला तत्व कितने पंचविंशति, तो पंचविंशति विशेषण हो गया, तो आपने जो ये पंचविंशति तत्व विशेषण आपने बताया तो ये इसको इसके द्वारा व्यवर्तन किसको करेंगे, आपको व्यवर्तन करने में कोई पदार्थ कुछ होगा तब तो विशेषण लगाएंगे, तो किसके द्वारा व्यवर्तन मतलब किसी को आप अलग करना चाहिए, किसको अलग करना चाहिए, ठीक है ना, अब बताओ किसको अलग हो, यदि उसको तत्व है तो प्रमाता को प्रमेय की प्रमाण किसको अलग करना चाहिए, इसीलिए आप पूछो वहाँ पे ये भी तुम्हारा कल्पना मत हो। पंचविंशति विशेषणस्य पंचविंशति जो विशेषण है उसका अव्यवर्तक वो किसी का व्यवर्तक नहीं है, तुमने इतना ही माना उनके सिद्धांत का ऊंचा क्या है, इतना ही तत्व है, इतना ही तत्व है, तो आप जो है उससे अलग किसको करो, किससे अलग करो, तो अलग करने वाला कोई वस्तु तुम्हारे सिद्धांत है नहीं, इसीलिए आप बोलते हैं अनर्थक हो गया उनको मतों पर इसकी आवश्यकता नहीं है। जितना आप संख्या बढ़ाते जाएंगे उतना ही ये सिद्धांत में विघटन दिखाएगा, जितना कम संख्या के ऊपर सिद्धांत बना इसे हम एक ही संख्या को मानते हैं, फिर मानने से काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि पंचविंशति विशेषण से अव्यवर्तक वैयथा वो जो है अनर्थक हो जाते हैं, मतलब उसको उपयुक्त नहीं, व्यवर्तक मान लीजिए वो किसी को किसी से अलग करते हैं, मतलब ये तत्व नहीं है ये तत्व है,
ये तत्व नहीं है, ये तत्व मतलब 26-27 और आपको दिखाई दिया तो ये नहीं है, 25 ही तत्व है। व्यावर्त्य मतलब अलग करने योग्य प्रवृत्ति अप्रवृत्ति अनुपवृत्ति, चाहे वो प्रमाता से उत्पन्न हो जिसमें ज्ञान उत्पन्न हो रहा अथवा अप्रमाता है, क्योंकि उनको भी तो 25 तत्व का ज्ञान है, तो किसका ज्ञान है वो जानने वाला भी हो, तो क्या 25 तत्व के द्वारा तुम प्रमाता को अलग करना चाहते हो? 25 तत्व के द्वारा तुम प्रमाता को अलग करना चाहते हो अथवा प्रमाता को पुरुष रूप में कहना चाहते हो, क्या तुम्हारा भी कह रहे हैं कि पूरे 25 तत्व परमार्थी हैं कि केवल प्रधान परमार्थी? वो तो बोलते हैं पुरुष और प्रकृति मुख है और 25 मूल तत्व को मानते हैं वो भी परमार्थी परमार्थी। अब यहाँ पे बोलते हैं मुख्य रूप से प्रकृति आपके हाथ ये परमार्थी होने पर लेकिन उनका सत्य है मूल प्रकृति सत्य है, तो आपका वृत्ति का जब सत्य है तो वृत्ति का से बना हुआ जो वस्तु सत्य हो ऐसा। हाँ अब वो किसको मतलब आप जो जैसे आया था विकल्प के विचार आनंद दर्शन समाधि से आप धीरे 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 पीछे आकर के उस तक पहुँच सकते हैं, तो अवलंबन को लेकर के मन पे एकाग्र करके इसलिए इसमें सत्य समझ के धीरे 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 मन को उठाना ये उनकी ध्यान के कारण यहाँ पे बोल रहे थे। एक नंबर टिप्पणी आ गई नैवत्य प्रमित्य प्रमित्र अनुभव जो प्रमाता अथवा अप्रमाता दोनों रूप में संभव नहीं है। एक नंबर टिप्पणी देखिए समझा रहा व्यावर्त प्रभृति तत्ताना पंचविंशतित्व विशेषण आप तत्व कितना बोला आपने पंचविंशति 25 ये जो आपने विशेषण दिया न्यून संख्या व्यवर्तनाय आप इससे कम अथवा न्यूनाधिक है ना न्यून अथवा अधिक संख्या को व्यवर्तन कर देते न 24 है न 26 है 25 ही तत्व है ठीक है ना। बोलते तत्ताना पंचविंशतित्व तत्व में जो पंचविंशतित्व धर्म आपने बैठा है वो जो विषय आपने दिया न्यूनाधिक संख्या व्यवर्तन आय मतलब कम अथवा अधिक संख्या को अलग करने के लिए ना 24 तत्व है ना 26 तत्व है केवल 25 ही है। न्यूनाधिक संख्या चाह यदि प्रमिता अब जो मतलब न्यून अथवा अधिक संख्या में किस पर योग क्या क्या मतलब अधिक भी नहीं है कम भी नहीं है तो इसके अंदर फिर यदि कम किस से व्यवर्तन करना चाहिए वो प्रमिता को अलग करना चाहते हैं न्यूनाधिक संख्या से यदि प्रमिता तदा न सा व्यवृत्ति भा यदि वो प्रमाता है ठीक है ना तो प्रमिता मतलब जानने वाला तो क्या हो जाएगा उसको अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसी के रहने कारण में तुमने जाना उसके रहने कारण तुमने जाना इसलिए उसको अलग नहीं कर सकते इसके बोलते हैं यहाँ पे न्यूनाधिक संख्या से यदि प्रमिता यदि अधिक अथवा कम में प्रमिता को गिन रहे हो तो न सा व्यवृत्ति भाव उसको जो है अलग करने का योग नहीं है क्यों न ही प्रमाण सिद्धम वस्तु अपलपित कार्य प्रमाण के द्वारा सिद्ध रखे जानने वाला कोई एक है नहीं तो हम 25 का तो कैसे बोल रहे हैं तो प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो रहा है जो वस्तु उसको आप नेगेट नहीं कर सकते निषेध नहीं कर सकते इसलिए बोलते हैं नहीं प्रमाण सिद्धम वस्तु अपलपित कार्य मतलब उसको पार नहीं पा सकते यदि तो अप्रमिता यदि वो प्रमिता नहीं है ठीक है ना तदा बिना भी विशेषण व्यवृत्ता जो वो कुछ नहीं है सिर्फ वस्तु नहीं सिद्ध हो रहा है तो उसको बिना विशेषण से भी अलग हो ही जाएगा वस्तु नहीं इसलिए हमें बोलता है यदि जो अप्रमिता पास यदि उसको अप्रमिता मानते नहीं जानने वाला मानते तदा बिना भी विशेषण व्यवृत्ति के विशेषण वैज्ञानिक इस प्रकार से दोनों अवस्था में जो है विशेषण से आपका उपयोगी नहीं है। 25 ही तत्व है 25 तत्व जो आपने कहा इसके द्वारा आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रमाता निश्चित करना चाहते हैं क्या किसको व्यवर्तन करना चाहते हैं क्योंकि कोई जानने वाला 25 तत्व है उसको जानने वाला ही ऐसा आप कहना चाहते हो क्या तो फिर तो जो जानने वाला को तो आप 25 बोलने के बाद जानने वाला इससे अधिक है तो उसमें इंक्लूड है ठीक है जानने वाला यदि अधिक है तो आप उसको निषेध नहीं कर सकते उसके बिना आपका जानकारी नहीं उसकी जानकारी नहीं यदि इसका अंदर इंक्लूड है यदि इंक्लूड है तो अभी विशेषण आपका अधिक काम नहीं करेगा क्योंकि वो तो तुम्हें आ जाता है मतलब 24 तक तो नहीं या 25 तक तो ये कहना चाहते हो तो बोलते आगे देख लेते हैं यदि तू अप्रमिता तथा बिना विशेषण मतलब उसको कोई प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता अथवा प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु को नहीं जाना जाता वो विशेषण का विषय कैसे बन सकता जिसको जानते हो जिस प्रकार लाल सफ़ेद काला फूल आपको दिखाई दे इसीलिए आप बोला लाल फूल बोला आप अपने किसी को जाना नहीं उस देख को नहीं जाना उसे क्या अलग करोगे उसे कैसे अलग करोगे प्रमाता को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं क्यों नहीं जानते प्रमाता को जब आपने घट देखा तो घट को मैं जाना वही तो प्रमाता है
जब प्रमेय वस्तु को प्रमाण के द्वारा हम जानते हैं तो उसको जानने वाला प्रमाता हो गया। प्रमाण के द्वारा प्रमेय वस्तु को प्रमाता में प्रमित उत्पन्न होती है, प्रमाता जानने वाला होता है। हाँ, मन बुद्धि इंद्रिय के सारे प्रमाता है शुद्ध। अब जो है आप प्रमाता को तो आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो जानने वाला उसको तो मान्यता देना पड़ेगा। अब यदि प्रमाण यदि उसको यहाँ पे बोला कि देखो शंका, यदि प्रमिता सदा न सा व्यवृत्ति भाव, यदि प्रमिता को आप अलग करना चाहते हो तो अधिक शंका में 26 में प्रमाता को मानना चाहते हो तब क्या हो जाएगा, उसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि उसका अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। कैसे सिद्ध है? 25 तत्व को जानने वाला जस्मिन पंच पंच जना आकाश प्रतिष्ठ वेलानक में आते हैं आया होगा, जस्मिन पंच पंच जना आकाश प्रतिष्ठित। इसी को शंखवादी ने बोला कि ये जो हमारे 25 तत्व को बोल रहे हैं पंच पंच जना, मतलब पांच पांच की पांच में पांच पंच 25 होते बोले हमें बोले बोलते आपको संस्कृत आता है कि नहीं आता है? क्या बोला? जस्मिन पंच पंच जना आकाश प्रतिष्ठित। जस्में जस्मिन बोल रहे वहाँ एक तत्व हुआ और पंच पंच जना 25 और आकाश 27 तत्व हो रहा है, तुम 25 कहाँ से बना? आया ब्रह्मचित्र में इसको लेकर के विचार आया, इसी को उठाया होगा। ये कहाँ पे आएगा कि ये प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद के आनुमानिक अधिकरण के बाद शंख को संग्रह में प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद। इसलिए आप बोलते हैं कि शंखा यदि प्रमिता न्यूनाधिक शंखा च यदि प्रमिता तदा नौशा व्यदि, प्रमाता को तुम अलग करना चाहते हो ये होना तो संभव नहीं है। क्यों? प्रमाण के द्वारा सिद्ध वस्तु, मतलब जब आप किसी वस्तु को जान लिया, मैंने इसको जाना, जब तक जानने वाला नहीं दिखाई दे रहा, परंतु जानने वाला तो होगा इसको, जब जब दृश्य को हम समझ रहे हैं कोई जरूर कोई ना कोई दृष्ट, इसीलिए प्रमाता को तो आप निषेध नहीं कर सकते हैं न पा रहे थे। यदि तो अप्रमिता तथा बिना भी विशेषण, यदि वहाँ पर कोई प्रमिता नहीं है मतलब कोई जानने वाला नहीं है तो उसको अलग कोई वस्तु ही नहीं है वहाँ, मतलब क्या हो जाएगा उसको अलग करने के लिए विशेषण देने की आवश्यकता नहीं है। इस विशेषण वही अर्थ की इसका नहीं जान ये हो गया क्या? पंचविंशति विशेषण से अव्यवर्तक वही अर्थ व्यवर्तक व्यावर्त, मतलब अलग अलग करने जब प्रमित्व प्रमित्व दोनों अवस्था, प्रमिता को अलग नहीं कर सकते, अप्रमित्व जो आपका मन प्रमिति उत्पन्न नहीं होता जिसका, उसको क्या अलग करूँ जिसका यहाँ पे कोई लाल काला फूल हो दो तब तक उसमें से लाल कलर हटा कर निकाला, तो वो है ही नहीं तो उसको क्या अलग करूँ। इसलिए आपका दोनों अवस्था में आपका जो यहाँ पे जो विशेषण पंचविंशति विशेषण जो संघ ये नहीं है उपयुक्त नहीं। तब बोलते हैं कि नहीं नहीं हम प्रमिता को मानते हैं पुरुष जिन जानते वाला उससे पुरुष विशेष अशांकों में प्रकृति में जो परिवर्तन होता है शांत में अवस्था से जो है विघटन होता है, ये कैसे होता है? बोलते इसलिए योग दर्शन में एक पुरुष विशेष माना, यद्यपि पुरुष अनंत पुरुष मान दिया शांत में, है ना? शंख दर्शन और वेदांत दर्शन मुख्य भिन्नता यहाँ पे, वेदांत पुरुष कितना मानते हैं? एक अनेक अमेव अद्वितीय, और शंख दर्शन अनेक पुरुष मानते हैं, और वेदांत प्रकृति को अनेक मानते हैं, अंतकरण शब्द अलग अलग है ना, आप उसके ऊपर ही होकर अलग अलग करके दिखाई पड़े आपको प्रकृति को एक। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप प्रकृति और पुरुष का संयोग से जो सृष्टि उत्पन्न होता है उसका नियामक कौन है, उसको लेकर महर्षि पतंजलि ये बोले पतंजलहा पुनर ईश्वर अधिकम पश्यंत षड्विंशति पदार्था इति कल्पयन्ति। पतंजलहा पतंजल ऋषि के अनुसरण करने वाले लोग पतंजल और उसको हो गया पातंजलहा है ना, दुकान प्रत्यय होकर आगे उसको बिखरे गए पतंजल के अनुसरण करने वाले लोग ये लोग भिन्न इससे भिन्न रूप में ईश्वरम अधिकम पश्यंत, मतलब इस 25 तत्व से एक अधिक तत्व को उन लोगों ने देखा। क्या देखा? ये पश्यंत में कौन सा विभक्ति वचन होना चाहिए? ठीक है, पतंजल के विषय देखते हुए मतलब प्रथम अवचन है ना, क्या देखते हुए? ईश्वरम अधिकम, ईश्वर को अधिक देखते हुए षड्विंशति पदार्थ वहाँ पे 26 पदार्थ है, इस प्रकार से कल्पना ये भी युक्ति संगत नहीं है, ये भी युक्ति संगत नहीं है। क्यों? अब देखो कि ईश्वर से पुरुष अंतर्भाव अधिकत्व अनुभव है, आपने ऑलरेडी जब आपने अनंत पुरुष मान रखा उसे अनंत पुरुष में एक पुरुष भी हो जाएगा, इसको अलग करके मानने की क्या आवश्यकता है? आपने बोला अनेक पुरुष है, बहुत पुरुष बहुत है, तो भाई जब पुरुष बहुत है तो इसको अलग करके मानने की क्या आवश्यकता है?
उस पुरुष में एक विशेष का तापमान 26 तत्व मानने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि आप ईश्वर को कुछ विशेष देखते हैं तो क्या देखो, पुरुष में कुछ विशेष बोल देते हैं, परिभाषा तो ऐसे ही दिया क्लेश कर्म के द्वारा युक्त नहीं है। जो पुरुष विशेष उसको ईश्वर मानते हैं, उसमें कई ये भी दिया, मतलब पूर्व सामग्री गुरु कार्य अनवच्छेदा तस् वाचक प्रणव ऐसा करके कुछ सूत्र है। ईश्वर प्रणिधान पहले यहाँ से लाया, फिर ईश्वर क्या वस्तु ये दिखाया, फिर वो प्रणिधान क्या वस्तु अभी दिखाया। यहाँ से क्या बोलते हैं कि पतंजला पुनर्विश्वर अधिकम पश्चिम तो षडविंशति पदार्थ, ये लोग 25 तत्व माने, ये लोग क्या 26 तत्व पदार्थ इति कल्पयन्ति तद् अनुक्तम्। किं ईश्वरस्य पुरुषान्तर्भावात् अधिकत्व अनुपत्य, ईश्वर तो पुरुष का अंतर्पात की तो फिर अनेक पुरुष मान ही रखा, व्यापक है सारे 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 एक तो सिद्धांत बिल्कुल ही। जो पुरुष अंतर्भावात् अधिकत्व अनुपत्ति, दो नंबर टिप्पणी, पुरुष अंतर्भावादित सांख्य अपनी पुरुषस्व अभ्युपगतत्वादिति भाव, सांख्य दर्शन में तो अनंत पुरुष को मान्यता दे ही रखा, फिर एक अलग करके पुरुष विषय कल्पना करने की आवश्यकता, मतलब ईश्वर और जीव में भिन्नता देखिए कुछ स्पष्ट करके योग दर्शन में ईश्वर को अलग पुरुष माना दिया, आज पुरुष मत यहाँ जीव, तो जीव अनंत जीव है और ईश्वर से ईश्वर जो है जीव से भिन्न वस्तु, एक ही उद्देश्य था। तो ये कहना बिल्कुल संकट नहीं है, क्योंकि सांख्य अपने पुरुष से अभ्युपगतता सांख्य दर्शन में पुरुष की मान्यता देने के कारण, इसलिए आप विश्वराष्ट्र पुरुष अंतर्भाव अधिक अधिकत्व अनुपत्ति, एक अधिक जो है मानने से कोई युक्ति संगत नहीं है। अनंतर्भावे च घटवत, यदि आप पुरुष को उसका नहीं माने तब क्या जगह, आपने पुरुष को चेतन माना प्रकृति को जन्म माना, अभी भी उसको पुरुष तत्व में जिस प्रकार पुरुष को व्याख्यान किया, यदि आप ऐसे नहीं मानते तब क्या हो जाएगा, अब घट की तरह जड़ वस्तु, घट की तरह जड़ वस्तु हो जाएगा। क्योंकि पुरुष को जैसा तुम्हारे सांख्य दर्शन के अनुसार तुम चल जाए, पुरुष का क्या आपने परिभाषा दिया कि चेतन है असंग ऐसा आपने माना, तो यही किसी को एक ईश्वर रूप में मान लेने से आपका नुकसान क्या है। आप बोलेंगे नहीं नहीं वो पुरुष विशेष है, काले न अनवच्छेदा, क्योंकि काल के तरह उस पुरुष छिन्न नहीं होना, यानी कि इस पुरुष को तो तब जब विभु माना नित्य मानिए काल के तरह का अनुच्छिन्न, तो यहाँ पे बोलते हैं अनंतर भाग्य जब घटाधिपत अनिश्वरत्व प्रसन्न, यदि आप उसको जो है मतलब उस पुरुष के अंदर अंतर्भाव नहीं कर रहे, अलग पदार्थ मान लो, तब क्या हो जाएगा, ईश्वर को आपने 25 तत्व एक पुरुष तत्व से अलग तत्व मान लो, जाना कि नहीं जाना उसको, जाना नहीं, हम आपसे क्वेश्चन पूछने करेंगे ईश्वर तत्व जो माना उसको आपने जान करके बोलना है कि नहीं जान करके बोलना है, तो हाँ मैं जान करके बोल रहा हूँ, यानी कि ईश्वर के बजाय घट की तरह एक दृश्य वस्तु बोल रहे हैं नहीं, आप यहाँ पे ये है या आपको दिखाई दे रहा है, जान करके बोल रहे हैं मसा मसा कि नहीं है, इसी प्रकार ईश्वर को आप जान करके बोल रहे हो कि नहीं जान करके बोल रहे हो, जान करके बोल रहे ठीक है, जब जान कर रहे हो तो ये दृश्य हो गया, तो ईश्वर ईश्वर ब्रह्म को आप जान करके बोल रहे हो या नहीं जान करके, बिल्कुल अनुभव के साथ बोलते हैं, पर विषयात्मक अनुभव नहीं है, शास्त्र के सहारे बोलते हैं। अभी जो प्रश्न आपने उठाया इसका एक टिप्पणी का निश्चय उठा करके उत्तर देंगे, अभी इसलिए कहीं देखिए इसका उत्तर देंगे, ब्रह्म को आप जान करके बोल रहे हो कि नहीं, हम हमेशा बोलते हैं देखो जिस ब्रह्म को जाना जाता है उसके बारे में कथित नहीं होता, शब्दों के द्वारा हम कुछ बौद्धिक योग्यता आ जाता है तब तक समझने के लिए, और जिस वस्तु अनुभव में आता है उसको शब्द ब्रह्म नहीं है, और हम बोलते हैं तब तो है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, बोलते शास्त्र ने ऐसे ही प्रतिपादन किया, हम तो शास्त्र के बाहर जाकर के नहीं बोलते, वेदांत ने ऐसा प्रतिपादन किया, महापुरुष अनुभव करने वाले महापुरुष ने भी ऐसे ही बोला। आप बताइए ठाकुर जी वर्तमान में अपने भगवत साक्षात्कार किए थे कि नहीं किए थे, पंत क्या बोलते हैं कि ब्रह्म नहीं बोला जाता, तो बोला तो इसलिए ये है कि रमन महर्षि वीर सिंह उनके बारे में कि जिस तत्व के बोध होते हैं, हाँ शास्त्र के द्वारा कुछ अब तक बोलते योग्यता आता है और उस संबंधित चिंता मन में घूमता रहता है, तो प्रतिबंध क्षय होने से भी उस तरह के पास अनुभव था, इसलिए आगे बोलते हैं ईश्वर से पुरुषांतर्भाव अधिकत्व अनुभव करते अनंतर्भावे के घटव क्या लिखे वहाँ पे अनंतर्भावे अनंतर्भावे अंतर्भावे, यदि उसके अंदर नहीं होगा
तो क्या हो जाएगा भाई, और अधिक वस्तु आपने माना अनंत भाव आपके देखो रेप थोड़ा आगे अलग हट गया अनंतर भावे घटवत अनिश्वरत्व प्रसन्न घट की तरह एक जो है वो जड़ वस्तु जैसे हो जाएगा, ईश्वर नहीं हो पाएगा। यदि इसको मन में रहते तो सर्वेश्वर की जब अब जो है ये जो मतलब सांख्यवाद योग दर्शन को अनुसरण करने वाले कुछ मतलब वैष्णव ईश्वर ईश्वर तंत्र को मानने वो लोग इससे और थोड़ा विस्तार करें, इससे और थोड़ा विस्तार करें। जब बोलते हैं पाशुपतास्तु पशु जो पहले आया था उसका वो तो तीन तत्व तो कोई पशु पर उसका देखिए भेद देखिए, एक बोलता है पशु पाश और पशुपति, पशु पाश और पशुपति इसका मानने वाले कोई कोरोना वाले पशुपति उसका एक दिव्य उसका एक भेद रूप ये बोलते हैं कि पाशुपतास्तु जो लोग मतलब सांख्य दर्शन के सिद्धांत को योग दर्शन के सिद्धांत को मानते हैं वो तत्व तो वैसे ही मानते हैं। परंतु वो क्या क्या अपना कुछ और बढ़ा दिया, क्या क्या बढ़ाया, राग अभिद्या नियति काल कला माया अधिकार देखिए आप कितना तत्व हो गया आप राग अभिद्या ठीक है ना नियति नियति मतलब कि अदृष्टि जो शुरू होता है काल कला और माया ठीक है अब देखें छह अब क्या हो गया माया और अभिद्या अलग अलग माने हो गया। अच्छा अब योग दर्शन में पंचोक्लेश के अंदर अभिद्या भी है राग भी है पंचोक्लेश के अंदर अभिद्या शुद्ध राग भी शुरू होता है तो आप उसी को फॉलो करते हैं इसको अलग कर दिया था। फिर इसके बाद एक और बोलते हैं कि नियति नियति किससे बनता है अदृष्टि किससे बनता है वो यदि धर्म धर्म स्वगत कर्म स्वगत तो आप किससे आ जाता है कभी यह काम कर रहे उसको अलग करके निर्माण करा। फिर माया अधिक ये छह तत्व अधिक सबसे बड़ा तो अविद्या और माया कोई अलग नहीं है ना ये शास्त्र में ऐसा नहीं किया अविद्या और माया एक ही है। जैसे जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब भी शरीर रहता है इसका मतलब अविद्या ने शरीर का नाश नहीं किया। ब्रह्म ज्ञान क्या नाश किया शरीर का नाश नहीं किया केवल मतलब कारण शरीर का नाश हुआ स्थूल और सूक्ष्म का नहीं हुआ कारण शरीर का नाश। अच्छा आप बताओ कारण नाश हो गया मिट्टी नाश हो गया घड़ा बचा है वो तभी बच सकता है जब ये उसका कार्य ना हो। हाँ वो किसने किस कार्य में होगा तो वो मन का क्या हुआ केवल प्रतीति मात्र है ये प्रतीति मात्र क्या हो गया जन्मांत जो संस्कार से वो प्रतीति हमारे पास चल रहा था ना जिस प्रकार देखो पंखा बंद कर दिया सूर्य बंद हो गया कनेक्शन नहीं है बिजली के साथ बिजली का अज्ञान मतलब बिजली का कनेक्शन चला गया पंखा खुल गया ये जो है कनेक्शन नहीं होने पर प्रतीति होते पूछते प्रतीति होते पूछते आप बोलेंगे कि नहीं अविद्या के द्वारा हम परिच्छिन्न में मतलब माया की जब दृष्टि में देखेंगे तब अविद्या शब्द के द्वारा कहा जाता है और वही माया जब समष्टि चेतन के शब्द को ही होता तब उसको माया शब्द के द्वारा कहते हैं ठीक है। उससे जो है मतलब माया भी एक समष्टि वस्तु है परिच्छिन्न वस्तु नहीं है परिच्छिन्नता कल्पित है परिच्छिन्नता कल्पित है माया स्वयं कल्पित है यहाँ पे आ जाएगा और क्या होता है कि वो परिच्छिन्न के रूप में हम उसको कितना व्यवहार होता है परिच्छिन्न के बारे में पूर्ण में व्यवहार नहीं होता। अब क्या हो गया कि अब जब अज्ञान नाश हो तब क्या होता है भेद दृष्टि चली गई तो फलत क्या होता है शरीर से आत्मबुद्धि तो चली जाती है शरीर अपना प्रारब्ध करो सकता क्योंकि वो तो मैं आप कई बार इसको बताया कि देखो ईश्वर ने इस शरीर के लिए जैसा इस शरीर से ज्ञान भी मतलब इस टाइम से ज्ञान होगा वो भी निर्दिष्ट था और ज्ञान के बाद इस शरीर से जो क्रिया होना था वो भी पहले से निर्दिष्ट था परंतु वो किसके दृष्टि से देखने वाले की दृष्टि से परंतु क्योंकि अभी तक अस्तित्व में मतलब जिसके अंदर ज्ञान हो गया उसके दृष्टि में कोई ज्ञान ही नहीं रहता। आश्चर्य की बात यह है जिसको ज्ञान हो गया उसके पीछे ज्ञानी ही नहीं रहता केवल ज्ञानी ज्ञान रहता तो व्यवहार इसके दृष्टि से हमेशा क्रांति है हमें दिखाई पड़ता है कई महापुरुष ने भगवान श्री कृष्ण में बोलता उपदीक्षण ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शन उपदेश कौन करेगा उपदीक्षण ते ज्ञान ज्ञान न तत्व दर्शन ज्ञानी की तत्व दृष्टि जो ज्ञानी है और जब उन्हीं किसी उपदेश करना है तो भगवान के सिद्धांत ही अनर्थक हो जाएगा यदि ज्ञानी का तुरंत शरीर चल जाता है ऐसा क्यों लगता है कि प्रारब्ध अविद्या का कार्य ना हो।
अरे प्रारब्ध तो अविद्या का कार्य नहीं है, तो पहले से ही नहीं है, तो मानो उसको प्रारब्ध नहीं है। जब आप जो है प्रारब्ध अविद्या का कार्य नहीं है, प्रारब्ध तो किसी सच्चाई में देखेंगे, प्रारब्ध नामक कोई वस्तु है नहीं। जब सच्चाई देखेंगे हमारे पास अजातवाद में प्रारब्ध कहाँ है, नहीं है, कुछ नहीं है। परंतु जब माया उपाधि के साथ है तब जितना जैसे दिखाई दे रहे उसको ऐसा मानना चाहिए। ऐसा बोलते हैं अनंतर भाव है तो खटपत अनिश्चय प्रसंग। यहाँ पे बोलते हैं पाशुपतास्तु, पाशुपति मत का अनुसरण करने वाले वहाँ पे रात अविद्या नियति काल कला माया अधिकार। राग मतलब ये दिश के दिश से व्यवहार होता है। राग आया कहाँ से, अविद्या ज्ञान के कारण, अविद्या का है ना। और फिर जो नियति अदृष्ट मतलब पूर्व के जो कर्म से बना है, और वो अदृष्ट भी अकेला फल नहीं दे सकता है, काल के साथ मिल करके निर्दिष्ट समय में अदृष्ट फल देता है, काल से पहले किसी को नहीं मिलता। और कला, कला मतलब उसी का अवयव, मतलब आपको किसी फल को प्राप्त करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से क्रिया करेंगे तब जाकर फल होगा। इसलिए ये सब चीज़ को अधिक मान को इस पशुपति लोग ना माया अधिका स्ते एवं एक त्रिशत पदार्थ। इस प्रकार से वहाँ पे उसका सिद्धांत पूछा कितना पदार्थ हो गया, 31 31 पदार्थ का यदि भूवते। वो लोग ऐसा बोलते हैं पाशुपतास्तु भूवते भूते भूवाते भूवते थर्ड पर्सन पूरे नंबर है बोला जाता है, बोलते हैं वो लोग, बोलते हैं। और ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, देखने में ते लग रहा है, ते ते आते अते ते अतुपस्ते उपासते उपासते इस प्रकार तत् न आप नहीं कह सकते। क्लेशत्वपि राग अविद्योर अवंतर भेदवत अस्मितादे अपि तद्भिन्न तेन संघ अतिरेका। यदि आप यहाँ पे क्लेश के अंतर्वादी होने के कारण राग द्वेष और अविद्या यदि क्लेश के अंत में चुके उसके अंतर आप उसके अंतर होने के कारण मतलब क्लेश का अंतर दोनों को आपने अलग कर दिया और बाकी अस्मिता आदि को आपने अलग नहीं किया, इससे क्या हो जाएगा, आपका सिद्धांत तो सही नहीं है। क्या बोलते हैं क्लेशत्व अपि पंचो क्लेश के अंदर अंतर्भुक्त होते हुए भी राग अविद्योर अवान्तर भेद, जैसे आपने राग और अविद्या का अवान्तर भेद माना उस प्रकार को अस्मिता भी मानना पड़ेगा। पंचो क्लेश अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश इसका अंदर चार। अब अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश अनित्य अचुति दुख अनित्य अचुति दुख दुखात्मक दुख अनात्म सु नित्य सुचि सुखात्मक ख्याति अविद्या अनित्य अशुचि अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश अभिनिवेश मतलब स्वरसो वही विदुषपि तथा रूढ़ अभिनिवेश जन्मांतरी संस्कार से जब मैं मर जाऊँगा शरीर में आत्मबुद्धि करके तो ये मर जाओगे तो अभिनिवेश आत्मा मरने वाला नहीं इसको अभिनिवेश कैसे बोलते ये हो जाएगा। मैं एंटिसिपेटरी बेल लेते हैं पहले ये करते ये हो जाएगा ये हो जाएगा मन इस चीज़ को अभिनिवेश कैसे बोलते हर जगह पीला। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पाशुपतास्तु क्लेशत्व अभी ये पंच क्लेश का अंतर्भुक्त होते हुए भी आपने यदि राग और अविद्या को अलग कर दिया तो अस्मिता ने क्या करवा दी उसकी भी अलग मानना पड़ेगा, देश को भी आपको अलग मानना पड़ेगा। इसलिए अगर तत्व जो है गतिश है ये आप नहीं कह सकते हैं, आपका सिद्धांत आपका अपना सिद्धांत ही गड़बड़ होगा। इसीलिए आप बोलते हैं क्लेशत्व अभी राग अविद्यो राग और अविद्या में अवान्तर भेद वजह से आपने जो पंच क्लेश से अवान्तर भेद करके उसको अलग माना अस्मिता देरपि तद भिन्न जाएगा अस्मिता द्वेष अभिनिवेश ये भी तो उससे भिन्न होकर अवंतर भिन्न देने शंखा थी देखा तो शंखा 31 है आप नहीं कह सकें कोई बात आप काफी गए ग्रुप वाले वाले नहीं तब इसको भी इंक्लूड कर। पाशुपत मत का कोई बड़ा प्रवक्ता था ये नाम जो नहीं मिला उसको ये हाँ हाँ ये जो शांडिल्य शांडिल्य ऋषि नाम आप ये इसको लेकर तो मैं नहीं बता ये तो शांडिल्य ऋषि का नाम ही इसीलिए और वो वेद भाई कल्पना किया भगवान भाष्य का लिखते हैं कि इसीलिए ये मत खंडनीय है
मतलब इस वेद में जिस शांडिल्य ऋषि का नाम आता है तो वो वैदिक सिद्धांत को खंडन करते हैं कि वेद में मुक्ति की कथन नहीं है, शिव जी को उपासना से मुक्त हो जाएगा ऐसा उनका कथन है, तो अलग ही हो ब्रह्मसूत्र में आए हैं। एक ब्रह्मसूत्र द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद में खंडन किया वासना किस लिए होता है अविद्या के कारण, तो वो उसी का अंतर गुप्त हो जाए। इसलिए हमें बोलते हैं कि तस्य राग उपलक्षितत्वे तस्य अविद्या उपलक्षितत्वे न न्यूनता पदा, फिर वह क्या हो जाएगा आप कम संख्या में जा सकते हो, इसीलिए संख्या के निर्णय नहीं किया जा सकता आपके सिद्धांत। इसलिए सबसे अच्छा है एक ही तत्व से बस अधिक नियम नहीं होने का भाव ही नहीं, परमार्थ तत्व में संख्या भेद हो नहीं सकता। इसी को लेकर के इतना बोलने के पीछे परमार्थ तत्व में संख्या भेद नहीं हो सकता, इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे अभिन्दर माया भेद बना दिया अवान्तर भेद नियत हुआ पीतल को करते अविद्या और माया अवंतर भेद मन को, तब प्रत्येक व्यक्ति का अदृष्ट अलग अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अदृष्ट अलग अलग होता है, एक नहीं तो अदृष्ट एक का सब अलग अलग होता है। इसीलिए होता है अवंतर भेद चार नियत हुआ भी तद उपपत्ति, इसी प्रकार अवंतर भेद नियति में भी आपका आएगा, अवंतर भेद अनेक हो जाएगा। शंखा अतिरेक तत्पश्चिम शंखा की अतिरिक्तता पहले ही से बना रहे जहाँ आप इसको इन लोगों को तत्व मान लें। अच्छा नियति अदृष्ट कैसे होता है, अविद्या अविद्या से वासना वासना से कर्म कर्म तो धर्म धर्म से सब अदृष्ट बनता है नियति बनता है, जब अविद्या तत्व नहीं है तो ये कैसे नियति कोई तत्व कैसे हो सकता है। इसलिए आपको बोलते हैं नियतो अभिदत्व को करते शंका तेरे का अस्तित्व। अच्छा और वहाँ पे जो दो शब्द और बोला काल और कला, तीन नंबर टिप्पणी नियतो ठीक है, तीन नंबर नियतो नियति नियतिर दैवम तत्रापि शुभाशुभत्वाभ्याम शुभाशुभत्वाभ्याम नियति कैसे बनता है, शुभाशुभ कर्म से बनता है भ्याम अवान्तर भेद सत्य, वहाँ भी आपका दो प्रकार कम से कम दो तो आपको मानना ही पड़ता है, शुभ अदृष्ट अशुभ अदृष्ट, अदृश्य दो प्रकार तो मानना ही पड़ेगा एक ही व्यक्ति में, शुभ अदृष्ट अशुभ अदृष्ट व्यक्ति भेद सौर भी हो जाएगा। इसलिए बोलता है नियतिर दैवम तत्रापि शुभाशुभत्वाभ्याम अवान्तर भेद सत्य अवान्तर भेद की विद्यमान होने के कारण शंखा अतिरिक्त आपत्ति नहीं, तो उसका संख्या भी बढ़ जाएगा इति जावादि इसका भी कहता है। आगे और बोलते हैं काल कलासु च तत् प्रसिद्ध इति आह, काल और कला में तो अवयव है ही, काल में भी आप कितना भी काल कितना आपकी आप हमारे वर्तमान में जैसे सेकेंड मिनट घंटा दिन हफ्ता छः महीना अयन फिर शुक्ल पक्ष कितना प्रकार से अपने काल को देखते हैं, इसलिए बोलते हैं काल और कला में अवयव पार्ट्स, कला में पार्ट्स अवयव आर्ट ये भी हो सकता है, तो ये आप स्वाभाविक रूप ये भित्त पार्ट्स मतलब भी अनेक होते हैं, इसीलिए आप कितना पार्ट्स किसी का शरीर के अवयव देखो हमको देखते हैं, हम लोग चलते हैं हाथ पैर जो ऐसा चल उनका पैर नहीं दिखाई पड़ता, छाती के ऊपर ही चलता है, इस प्रकार से कि अवयव में भी अनेक अनेक प्रकार हो जाए, ये सब मानना जो है अवंतर कल्पना मात्र है। काल कला सूच तत्प्रसिद्ध काल और कला में भी शंखा की भिन्नता मतलब अवयव के अनेक होने के कारण वो भी जो है एक दिन से ही होगा ये कैसे का नहीं कह सकते। वहाँ की चार नंबर टिप्पणी देखिए कि काल कलादिषु इत्यादि काल अवयवेशु च मास ऋत्वादि अवान्तर भेदस्य प्रसिद्धत्वात्, काल में क्या है
मास ऋतु, मैं बोला ना काल में तो मिनिमम यूनिट्स आइए, सेकेंड मिनट घंटा 24 घंटा, फिर उसका हो गया था दिन, दिन से आपका कल शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ऋतु महीना, एक सब इच्छा काल का कल्पना किया था। इसलिए यहाँ भी आप एक करके निश्चय नहीं पूछ सकते। इसी प्रकार कला मतलब ही होता है कि आर्ट्स, आर्ट्स तो अलग अलग है, कला मतलब होता है पार्ट्स, पार्ट्स मतलब ही अलग हो गए। इसलिए आप इतना ही बोले इतना ही है ये शंकर का नहीं कह सकते। क्या मित्र, काल अवयवेशु च मास ऋत्वादि अवंतर भेद प्रसिद्ध प्रसिद्धत्वादि अकल्प सिद्धि। इस प्रकार से एक त्रिंशक इति आहु। कुछ लोग बोलते हैं ये सब बोले, अरे इतना लड़ाई मत करो, शंका निर्णय नहीं हो पाएगा, अनंत मन जो दिखाई देगा वही लड़ाई से ना रहे बस ना भज ना से मन देवता जितना दिखाई दे रहा है वही इसका तत्व है। अनंत पदार्थ भेद न नियत अस्तित्व, बोलते कोई नियत तो नहीं है, कितना ही होगा जितना दिखाई देगा वो सब तत्व ऐसा करके समझ लो। अनंत पदार्थ भेद न नियत, इसमें लिमिटेशन न नियत अस्तित्व की चीज ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, तदपि न, क्योंकि वादियों में विवाद दिखाई पड़ता है, वादियों में विवाद दिखाई पड़ता है, कोई कहता है 25, कोई कहता है 26, कोई कहता है 31 दिन, शंका भर रहा घटना जो है ये निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए अपनी सिद्धांत को बना नहीं सकते हैं, बिना के लिए बोलते हैं आप बोलो कि एक तत्व के दो तत्व आप भी तो उसे में कैसे मानेंगे, तो बोलते हमारी आप शुक्ति शुक्ति को आपको देख लो, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं एक हमें बल दे दिया सर्व सब एक ही तत्व में प्रतिष्ठित है, पुरुष एव एकदम विश्व आत्मा एकदम सर्वभूमय एकदम सर्वस्पर एक ही तत्व के बोल रहे हैं। इसीलिए इस हमारे सिद्धांत इसके वेदांतिक सिद्धांत सम्मत सिद्धांत, इसलिए बोलते हैं अनंत पदार्थ भेद न नियत अस्तित्व के चीज तदपि न वादिना विवाद दर्शन, वादियों में विवाद दिखाई दे रहे हैं। आगे आगे ना हनुमान कार्य का कार्य बोले कि स्वसिद्धांत व्यवस्था की द्वैत न निश्चित दे दो, अपने आप के सिद्धांत को व्यवस्थित करने के लिए द्वैत अपने सिद्धांत में निश्चित है। हम लोग बोलते हैं कि ये विवाद बना के रखो, अगली लाइन बोला ये विवाद बना के रखो, क्यों तभी तो अजन्म सिद्ध हो विवाद तुम्हारी विवाद से यही सिद्ध होता है, सृष्टि के बारे में बोलते रहते हैं पर तो कोई एक निर्णय में नहीं पहुँच पाता, इसे क्या सिद्ध होता है, क्योंकि सृष्टि पारमार्थिक होता है, कोई एक निर्णय में पहुँचते रहने के सृष्टि पारमार्थिक मतलब क्या बोलेंगे इसको, अर्थ से आर्थिक अर्थ से अर्थन करना, यदि एक कोई पारमार्थिक तत्व भी होती तो वो तो हम लोग एक ही निर्णय में पहुँचते, हम सभी देखते नहीं सब बात है द्वैतवादियों में इतना भिन्न होता है, फल क्या हो जाएगा द्वैत जो पारमार्थिक नहीं है। विवाद से जो अज्ञान मूलकत्व आह, अज्ञान के कारण ही विवाद होता है, भेद दिखाई पड़ते हैं उससे विवाद होते हैं, इसी को मानते रहते हो अनंत इति च आह अपरे अनंत इतिच अपरे आहु ऐसा करके मानना है। यहाँ पे भी पाँच नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है, पाँच नंबर अज्ञान तथा च अज्ञान विषय से भ्रांति विषय तेन तात्विकत्व न संभवती, एक शब्द है अज्ञान से जो आप दिखाई दे रहा है वो भ्रांति के विषय होने के कारण और पारमार्थिक नहीं हो सकता। आपको रज्जु तत्व अधिष्ठाता विषय बोला, हमारे यहाँ पे माया भी कोई तत्व नहीं है, है ना, स्वरूप की अज्ञान ही अनेक तत्व कल्पना में हेतु बनते हैं और स्वरूप की ज्ञान ही सारा कल्पना को नहीं आता, सारा कल्पना को सिद्धांत है। इसलिए बोलते हैं कि अनंत पदार्थ वेदना शक्ति पाँच नंबर टिप्पणी में तथा च अज्ञान विषय से भ्रांति विषय तेन अज्ञान के द्वारा जो समझ में आता है वो भ्रांति का विषय होने का तात्विकत्व न संभव है। ये जो आप प्रश्न होता है जो आप प्रश्न उठाए न चाहे ब्रह्म को लेकर भी तो विवाद है तो ब्रह्म भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, न चाहे एवं ब्रह्म ने अपनी वादी विवाद दर्शना तस्वत्तम से टिप्पणी करके तब मैंने से लिखा दूंगा, ब्रह्म को देख करके भी तो कई बार अलग अलग सिद्धांत, इसलिए बोलते हैं न च एवं इस प्रकार से ब्रह्म ने अपनी ब्रह्म में भी वादी विवाद दर्शना ब्रह्म को विषय करके वादियों में विवाद दिखाई पड़ते हैं खंडन करने जा रहे थे, अब देखो खंडन का क्या दुर्दशा हो गया। इसलिए आप बोलते हैं कि एवं ब्रह्म ने अभी वादी विवाद दर्शन तस्तिकत्व से युक्ति सिद्धत्वा अवधे हम, है ना, क्योंकि एकत्व जो है पहले श्रुति पहले अपने युक्ति नहीं
पहले श्रुति फिर उसके बाद युक्ति अनुभव के द्वारा ये सिद्ध होने के कारण वो जो है अतात्विक नहीं हुई, एकमात्र संशय में परमात्विक प्रत्यक्षता हुई है। ठीक है, इस प्रकार से इसके लिए आनंद के लिए नहीं होते इन श्लोकों के अंदर श्लोकों को भाषा कुछ नहीं लिखा। अधिकतर लोग टीका टिप्पणी करते हैं आजकल, जाते ही पढ़ते ही नहीं, छोड़ नहीं हो तब तो आनंद गिरी नहीं होता, तो उसके अंदर गहरे क्या है वो समझ कर हो गया आपका 26। आगे जो आगे और बोल रहे हैं कि भाई इतना क्यों करो, देखो संसार में जो भी कुछ बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है, फॉर द मनोरंजन करने के, लोक रंजन करने के, मनोरंजन करने के सारा सृष्टि बनाया गया, इसलिए मनोरंजन मूल तत्व, मनोरंजन के मूल तत्व तो बोलता है भाई मनोरंजन जो करोगे कहाँ मन करोगे, मनमर्जी करोगे, बोलते नहीं हम धार्मिक है आश्रम आश्रम धर्म, अब मनोरंजन कैसे होगा भाई, कोई विषय नपुंसक होगा, स्त्री पुरुष होगा तब तो मनोरंजन होगा, व्याकरण में किसी ने बोलता है कि स्त्री पुरुष न पुंसक ये सब मुख्य होता है तब जाके मनोरंजन होता है। देखो ना मतलब बहुत पता चले कि सेंस ऑफ ह्यूमर भी मैं सोच रहा था, लेकिन इतना कहते हुए भी आगे बोलते हैं नंगे थी, परंतु एक बात ही बोलते हैं परापर ब्रह्म दोनों ही सत्य है, पर ब्रह्म भी सत्य है अपर ब्रह्म भी सत्य है, दो वस्तु पारमार्थिक सत्य है, अरे दो वस्तु पारमार्थिक सत्य यदि होता तो दोनों परिचिन होगा, वो पारमार्थिक कैसे परिचय नहीं, पारमार्थिक कैसे होता है, अब मनोरंजन जो आप करोगे बताओ, हमारे मनोरंजन पठन पठन में होता है, किसी की मनोरंजन लड़ाई झगड़ा में होता है, तो मनोरंजन की सृष्टि कैसे होती है, हमारी मनोरंजन तो किसी को मिर्च खाने से होता है, किसी को खट्टा खाने से होता है, किसी को मीठा खाने से होता है, किस इसलिए मनोरंजन का वस्तु एक नहीं है सब, इसीलिए एक पहुँच नहीं है। बोल रहे हैं कि लोक अनुरंजन एवं तत्व इति लौकिक है ना, इसको लेकर के जो श्लोक लोकान लोकविदा प्राहु, लोकान लोकविदा प्राहु आश्रमाइति तद्विदः, आश्रमाइति तद्विदः स्त्रीपुंनपुंसकं लैङ्गः, स्त्रीपुंनपुंसकं लैङ्गः परापरमथापरे, परापरमथापरे लोकान लोकविदः प्राहु आश्रमाइति तद्विदः स्त्रीपुंनपुंसकं लैङ्गः परापरमथापरे। यहाँ पे पहले ये बताओ हमने क्या पढ़ा है, पहला शब्द क्या है इसका, लोकान मतलब द्वितीय बहुवचन, हाँ क्या हो गया, तो वो ऊपर क्यों लगा, वो नकार है, नकार है, नकार टॉबर को भी नकार को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे दुकान मतलब लोगों को यही पारमार्थिक तत्व है, लोकविद प्राहु लोकविद लोकान पारमार्थिकान प्राहु पारमार्थिक पारमार्थिक लोकविद लोक समाज का लोक मतलब मनोरंजन लोक लोकहित इस प्रकार से है ना, जो चार बात का ये ग्रुप है, और वो लोग बोलते हैं उसमें से कोई धर्माचरण करने जाता है, बोलते नहीं नहीं मनोरंजन अगर आपको करना है तो आश्रम भी वर्ण भी धर्म को लेकर के करो। आप बताओ कि आज तक उसी एक वस्तु भगवान ने भी, भगवान भी हैरान हो गए, भगवान भी स्वयं आज तक किसी एक वस्तु बना करके सभी लोग इसमें खुश हुए नहीं हुए, हुआ कि नहीं, बताए भगवान हो राजा प्रजा का मनोरंजन करना चाहते हैं तो प्रजा का मनोरंजन करना चाहे कोई भी बनाया, मान लीजिए आप जो है कि एक मंदिर बनाया तो बाकी बात उसको नहीं मानने वाले लोग उसका बिगड़ जाएगा, कोई मस्जिद पर नहीं मानने वाले बिगड़ जाएंगे, राजा भी भगवान भी कोई एक तत्व बना करके सबको मैं कुछ कर दूँ, भगवान स्वयं भी वहाँ पैग हो गए तो बाकी लोग कहना है क्या, एक नंबर सीधा वर्ण और ये आश्रम धर्म बोल, ये आश्रम क्या होता है, ये वर्ग और आश्रम धर्म किसके ऊपर निर्भर करते हैं, शरीर को, शरीर जो है वर्ग जो शरीर अनित्य वस्तु है तो आश्रम कैसे नित्य हो गया,
शरीर के ऊपर आश्रय करके फिर जो है स्त्री के लिए अलग धर्म, पुरुष के लिए अलग धर्म, ये सब जो अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग धर्म, ये सब जो भी आश्रम धर्म जो है ये भी कोई पार्थिव परिवर्तनीय है, ये परिवर्तनीय है अश्लील। और एक बात भी इसको सुन करके बोल रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं, ये स्त्री पुरुष पुलिंग ये व्याकरण लोग वैयाकरण लोग बोलते हैं। आप बताओ एक ही शब्द जो है पुलिंग प्रयोग होता है आप तत्पर तत् सगुना पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नाम पुरुष लिंग है, तो कोई नियत है ही नहीं, कोई भी शब्द नियत नहीं प्रयोग कर सकते। वो तो आपकी मान्यता दे रखे हमने प्रयोग कर दिया, फांसी तो पुंसक करके आया होगा आपके पास, ये आम बोला ठीक है ना, तो आप जब आम को वृक्ष कहना चाहोगे तो आपको किसमें प्रयोग करना पड़ेगा, और आम फल को प्रयोग करना कहना चाहोगे एक ही तब तक अपने कर रहे, इसलिए जो है एक ही परमर्थी तत्व नहीं हो सकता। एक बात और बोला, देखो मैं इतना देखा कि चलो अमर को ब्रह्म ही परम ब्रह्म सत्य, पर उसका दो भाग एक परम ब्रह्म में पकड़ देना हो गया मन, दोनों को जब आप परमार्थिक मान लोगे तो वो छिन्न हो जाएगा। लोग अनुरंजनम एवं तत्त्वम इति लोक कहा, लोग व्यवहार करने वाले लोग वो कहते हैं लोग रंजन के लिए ही सृष्टि हुए हैं, परंतु लोग तदपि विभ्रम मात्र। ये तो आप देखिए एक आश्रम में भी देख लीजिए, अगर मैं चाहूँ कि समय सबका मनोरंजन करके चलूँ तो हो नहीं सकता। अंग्रेजी में कहावत है दोस्त वांट टू प्लीज एवरीबॉडी कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी। अब क्या है कोई भी व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर रूप में कहीं भी रहे वो कभी भी सबका प्रियो नहीं हो सकता, एनी एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी जगह वो कभी भी सबका प्रियो नहीं हो सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जो है कुछ नियम तो लागू करना पड़ेगा, मतलब अनुसार चलना पड़ेगा, वो सबका अनुकूल नहीं है। ये तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुभव आता है, कोई भी व्यक्ति चाहे घर में हो पिता सभी को खुश नहीं कर पाता, किसी बच्चे को खुश कर पाते नाराज होता है, किसी एक आश्रम में देखे वहाँ भी जो एक व्यक्ति सबको खुश नहीं कर पाता, सबको खुश करने की कोशिश करेगा तो कोई खुश नहीं रहेगा, सभी दुखी होगा। और आप बेसिकली तो आपको मन से जब आप कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है तो आपको मन से निर्णय नहीं पहले लेना पड़ेगा कि मैं कभी भी सबको खुश नहीं कर सकता, तब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा ही, आपका अपने नियम तो उसके उल्लंघन जो है ये कारण नहीं हो सकता, ये कारण नहीं हो सकता। तदपि विभ्रांति मात्र जिसकी बोलते हैं विद्यते न खलु कश्चित उपाय सर्वलोक हित कर, मतलब ये आशुपाक है विद्यते न खलु कश्चित उपाय सर्वलोक तो परितोषक सर्वलोक परितोषक विद्यते न खलु स उपाय विद्यते न खलु कश्चित उपाय समस्त लोक के दोष करने वाले समस्त एक ऐसा कोई एक उपाय नहीं है दोषकारी दोषकारी जो सबका तो हो ही नहीं सकता, कोई एक वस्तु चाहिए सब के लिए संतुष्ट हो, तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तदपि विघ्न क्यों। अब एक ईश्वर ने अच्छा ये हेतु दे दिया यहाँ पे, कहते हैं आनंद गिरि जी ने लोकस्य भिन्न रुचित्वात् तद् अनुरंजनस्य ईश्वरेण अपि कर्तुम् अशक्यत्वादि दिया, ठीक है ना, रुचि नाम वैचित्र ऋजु कुटिल नाना पद दुषा, इसलिए एकमात्र ईश्वर नृणामेक गम्य तमशिवय शंकर नव, जब तक भगवान आप तो आप ही एकमात्र गम्य, अलग अलग पथ है किसी को अनुरंजन नहीं कर सकते भगवान नहीं कर पाए, इसलिए बोलता है कि लोकस्य भिन्न रुचित्वा है ना, भिन्न रुचि ही लोक, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग रुचि, अब प्रत्येक की रुचि के अनुसार यदि आप कोशिश करेंगे बनाने का तो कितना विभ्रम हो जाएगा, विभ्रम हो जाएगा, इसीलिए भिन्न रुचिता तद अनुरंजन ईश्वरेण भी, इसलिए लोक की अनुरंजन करना भगवान के द्वारा भी संभव नहीं है, नहीं है भगवान जी बता करके दुख देगा ईश्वरेण अभी कर्तुम अशक्त पा, उसके द्वारा भी करना संभव नहीं होने के लिए आत्मन में रखते होता है लोकान भी लोक अभी यहाँ पे देखिए कितना नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है, छः नंबर में
ईश्वरस्य ईश्वर मनोरंजन से ईश्वरेण अभी मिला शयन ईश्वर न मैंने समर्थ है ना प्रार्थिवादी ना इति अर्थ समर्थवान व्यक्ति कोई राजा भी अपने समस्त प्रजा के संतुष्ट नहीं कर भारत राम राज्य में वो भी खुश नहीं हुआ एक बार राम जी गया तो सुना कि मैंने कोई ये देखो राक्षसों ने घर के बहुत उठा लाया वो भी निंदा जब पत्नी को त्याग कर दिया तो भी निंदा अभी तक वो चल रहा है कि गर्भवती इसलिए भगवान स्वयं है किसी को नहीं संतुष्ट कर पाए तो हम लोगों की कथा ही जनरंजन जनरंजन लोकानीति लोकानीति लोग हम फिर एक तर और बोलते हैं दक्ष प्रभृतयो तु आश्रमा परमार्थ इति समर्थयन्ते दक्ष फिर बोलते हैं इस पर फिर दक्ष प्रजापति आते हैं जो सृष्टि करते हैं आश्रम धर्म से सृष्टि उदय से बोलते हैं दक्ष मनु बोधा ये सब जो है प्रभृत प्रभृतस्तु ये लोग तो बोलते हैं आश्रमा परमार्थ जो आश्रम धर्म ही परमार्थ है मतलब अब आश्रम धर्म को पालन करें उसी से तुम्हारे काम चलेगा इति समर्थयन्ते इस प्रकार लोग उसको समर्थन करें तब अच्छा वो कर सकते हैं आप बताएं किसको तुम आश्रम धर्म बोले आश्रम शब्द थे शूद्रादय प्रसन्नात यदि वेश को तुम आश्रम धर्म मानोगे ड्रेस पहन लिया कोई शूद्र भी जनक पहन सकता है कोई भगवत वस्त्र पहन सकते हैं तो यदि इतना ही को मतलब वेश को यदि आश्रम धर्म आश्रम धर्म आपको पता ही नहीं लगेगा तो हम सन्यासी है कोई गृहस्थ है आज जैसे आज पर आज मान लीजिए बहुत गलत नहीं सुनता है किसी भी तीर्थ क्षेत्र व्यक्ति टूरिस्ट में चलिए कोई व्यक्ति ऐसा भी आता है कि एक व्यक्ति को लेकर के पुरुष और महिला वो पति पत्नी जरूरी नहीं है परंतु आश्रम धर्म समारोह करते हैं ये तो सब ये सब जो है आजकल दिखाई पड़ता है लेकिन भंडारा में भी सन्यासी का वेश पहन तो ये तो हम नहीं बोलना चाहते ये तो देख ही रहे वर्तमान में देख रहे हैं तो ये बस ये बोला यहाँ पे देखो हमने तो भी पहले ही देखा वेश से आश्रम सब नहीं यहाँ पे नहीं मैं कहता हूँ छः महीने तक जो अभी तत्वशी आश्रम में रहते हैं तो पंजी का भेजते हैं ना वो परमानंद गिरी वो भी पहले कुछ मतलब ये क्या बोलते मंडली में थी बोलते वहाँ पे यूपी बिहार आने से आश्रम के जो मतलब अथॉरिटी है आश्रम अथॉरिटी आकार के लोग मंदिर से लोग किसी व्यक्ति को ऐसा पाल रखा कि वो लोग अप्रैल से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक आश्रम में रहेंगे भगवान वस्त्र पहनेंगे मंडली के साथ घूमेंगे दक्षिणा निग्रहण करेंगे और ठीक ठंडे में जाकर के खेती पूरी करेंगे ऐसा अभी अभी वर्तमान में मैं बोल पार्ट टाइम समय जैसे भी है तो इसलिए वो तो कोई पारमार्थिक तो नहीं हो सकता है देश राष्ट्र धर्म शब्दार्थ शुभ्रा नहीं रखी मैं तो मेरे मैं कहें तो भगवान कुमार हमारे लिए कम से कम एक सौभाग्य इतना है मैं इतना इधर घुमा नहीं इधर एक ही जगह पे आया एक ही जगह पे मैंने भेज दिया उपमंडू के तरह मैंने तो मैं लोगों से सुनता हूँ तब थोड़ा सा कुछ ऐसा नहीं होता बोला तो नहीं एक दिन कोई कहा था कि सारे महात्मा मांस खाते हैं उत्तर कश्मीर इतना गुस्सा आगे नहीं कैसे बोला उसने किसको भेज दिया स्वास्थ्य शुद्रा भी रखे प्रसंगा जातिश्च दुर्विवेचन और जाति का भी तो निर्माण नहीं रह किस दुर्विवेचन किस जाति का निर्माण नहीं कर सकते ब्राह्मण भी ब्राह्मण की तरह व्यवहार करते हैं और ब्राह्मण व्यक्ति की ब्राह्मण की तरह पूजा करते हैं अब तो हम ये भी सुना कि केरल में को मतलब पुरोहितों के लिए एडवर्टाइजमेंट किया गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध को उसको ट्रेनिंग देकर के मंदिरों में पुरोहित कर दिया इस प्रकार से जो है कि जाति दुर्विवेचन तम मूल आश्रम जाति और वर्ण के ऊपर ही तो आश्रम मानते हैं ना आश्रम से दर्शित असत्यवा उसको देखना संभव नहीं संस्कार देह समवे समवाय संस्कार कहाँ रहते हैं शरीर के साथ आप अभिव्यक्त होते हैं और शरीर एक अनित्य वस्तु है शरीर आज मैं पशु शरीर में हूँ तो मनुष्य संस्कार है कल बंदर शरीर में जाऊँगा बंदर भी संस्कार दे जाएगा कोई कुत्ता जाने में जाऊंगा तो कुत्ता भी संस्कार कर जाएगा देवता जाने में देवता सीधा जाएंगे वो भी एक अनित्य वस्तु है इसलिए आप बोलते हैं संस्कार से देव समवायित पारलौकिक जो गाते से ये जो है पारलौकिक परलोक धर्म निभाग यही भी आप नहीं कह सकते असंगी च आत्मनि तत् असमवया असंग आत्मा भी किसी के साथ संबंध नहीं होने के कारण आश्रम जिस प्रकार से जो भी लोग बोलते हैं उन्हीं के कारण
नहीं कर देते हैं। आज तो पहले वाला होना चाहिए, दस की पहले वाला वाला। अजम अपि योनि योगम प्राणेश्वर्य योगम अगति चगति मत्तां पापले कम्यनेमं विविध विषय धर्म ग्राहि उद्देशानां प्रणत पदवी शिष्यते ओम शांति।